नॉनस्टॉप थैलस स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। आज हम नॉनस्टॉप नामक एल्गी में सुकाय संरचना एवं जनन का अध्ययन करेंगे। सिस्टमैटिक पोजीशन। नॉनस्टॉप बिलोंग टू द क्लास साइनोफाइसी। ऑर्डर नॉनस्टॉकेल्स। फैमिली नॉनस्टोकेसी। एंड जीनस नॉनस्टॉप। नॉनस्टॉप को क्लास साइनोफाइसी में एफिफ्रिक्स द्वारा रखा गया है क्योंकि नॉनस्टॉप में सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड एवं म्यूरामिक एसिड की बनी हुई है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसियन ग्रैनुल्स के रूप में एवं स्टार्च के रूप में पाया जाता है। इसके जो प्रमुख पिगमेंट्स हैं वह है क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन कैरोटीनॉइड्स एवं जेंथोफिल पिगमेंट। इसमें सी फाइटोसाइनिन डोमिनेंट पिगमेंट के रूप में पाया जाता है। इसमें फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट है एवं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट। इन फीचर्स के कारण एफिफ्रिक्स ने नॉनस्टॉप को क्लास साइनोफाइसी में रखा है। नॉनस्टॉप को ऑर्डर नॉनस्टॉकेस में रखा गया है क्योंकि नॉनस्टॉकेस ऑर्डर में ऐसे थैलस रखे गए हैं जो कि फिलामेंटस हैं और फिलामेंट आर अनब्रांच। फिलामेंट कैसे हैं? अनब्रांच्ड। सेकंड फैमिली। नॉनस्टॉकेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं इनमें एक खास कोशिका पाई जाती है जिसे हम हिटरोसिस्ट कहते हैं। इस फैमिली के सभी मेंबर्स में हिटरोसिस्ट कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जीनस नॉनस्टॉक। अकरंस प्राप्ति स्थान। नॉनस्टॉक जलीय आवास एवं स्थलीय आवास दोनों आवासों में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसकी प्रमुख स्थलीय प्रजातियों में से एक नॉनस्टॉक कम्यून है। नॉनस्टॉक कम्यून एक स्थलीय शैवाल है, टेरेस्ट्रियल एल्गी है और यह मॉइस्ट सॉइल गीली अथवा नम मृदा में ग्रो करता है। यह इतनी तेजी से ग्रो करता है नम मृदा में कि यह एक चादर का निर्माण करता है नम मिट्टी या गीली मिट्टी के ऊपर। इसके अलावा नॉनस्टॉक पंक्सिटिफॉर्मी एक एंडोफाइटिक शैवाल है, अंतः पादपी शैवाल है। यह नॉनस्टॉक पंक्सिटी साइकस की कोरलाइड रूट में पाया जाता है। साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। इसकी कोरोलाइड रूट में यह नॉनस्टॉक पंक्सिटिफॉर्मी एक एंडोफाइटिक एल्गी के रूप में पाया जाता है। नॉनस्टॉक पंक्सिटी आल्सो फाउंड इन द थैलस ऑफ एंथोसिरोस। यह एंथोसिरोस के थैलस में भी पाया जाता है। एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट है। इसके अलावा नॉनस्टॉक की कुछ स्पीशीज जैसे नॉनस्टॉक स्फेरिकम, लाइकम्स के कंपोनेंट के रूप में पाई जाती हैं। यह फंजाई के साथ एसोसिएशन करके लाइकम्स का निर्माण करती हैं। इस तरह हमने देखा कि नॉनस्टॉक वैरायटी ऑफ हैबिटेट में पाया जाता है। यह फ्रेश वाटर बॉडीज में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में, एंडोफाइटिक एल्गी के रूप में, लाइकन्स में पाया जाता है।
स्ट्रक्चर? नॉनस्टॉक की सुकाय संरचना। नॉनस्टॉक एक फिलामेंटस एल्गी है, जैसा हम यहां देख रहे हैं यह नॉनस्टॉक का फिलामेंट है, ट्राइकोम। यह फिलामेंट अशाखित है, अनब्रांच्ड है। ट्राइकोम सिंगल रो ऑफ सेल से बना हुआ है, यहां सिंगल रो है सेल्स की, और इसे हम यूनिसीरिएट अरेंजमेंट कहते हैं। ट्राइकोम म्यूसिलेजिनस शीथ द्वारा घिरा हुआ है। व्हेन अ ट्राइकोम इज सराउंडेड बाय अ म्यूसिलेजिनस शीथ इट इज कॉल्ड फिलामेंट। ट्राइकोम श्लेष्म झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है। ऐसे ट्राइकोम जो श्लेष्म झिल्ली द्वारा घिरे हुए हैं, इन्हें हम तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। बहुत सारे ट्राइकोम जब एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनकी जो म्यूसिलेजिनस शीथ है यह डिसॉल्व हो जाती है और यह कॉलोनी का निर्माण करते हैं। तो नॉनस्टॉक जो है इसकी कॉलोनी पाई जाती है। फिलामेंट की जो कोशिकाएं हैं वह राउंडेड हैं, और राउंडेड कोशिकाओं के कारण फिलामेंट सीधा ना होकर के ट्विस्टेड यानी कि मुड़ा हुआ होता है, और कोशिकाओं के एंड्स पे कंस्ट्रिक्शन उपस्थित होता है, जिसके कारण एक खास ट्विस्टेड और कॉन्टेक्टेड फिलामेंट बनता है जो माला के आकार का होता है। इसे हम मोनिलिफॉर्म कहते हैं, मोनिलिफॉर्म अपीयरेंस यानी कि माला आकार। तो ट्राइकोम कैसा है? ट्राइकोम माला के आकार का है, मोनिलिफॉर्म है। नॉनस्टॉक के थैलस की और विशेषता है, देखिए कि इसमें जो कोशिकाएं हैं वह राउंडेड हैं। कुछ कोशिकाएं लार्ज साइज होती हैं, और इन लार्ज साइज स्पेशल सेल्स को हम हिटरोसिस्ट कहते हैं। नॉनस्टॉक के थैलस की विशेषता है कि इसमें हिटरोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये हिटरोसिस्ट कोशिकाएं नॉर्मल वेजिटेटिव सेल की अपेक्षा थोड़ी बड़ी होती हैं, लार्ज साइज होती हैं एवं पीले रंग की होती हैं। इनकी सेल वॉल हाईली थिक होती है। यह हिटरोसिस्ट कोशिकाएं ट्राइकोम के बीच में अथवा ट्राइकोम के सिरे पर भी उपस्थित हो सकती हैं। हिटरोसिस्ट कोशिकाओं के अलावा ट्राइकोम में अकाइनिड्स पाए जाते हैं। अकाइनिड्स क्या है? ये निश्चेष्ट बीजाणु होते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स हैं, और यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से नए थैलस का निर्माण करते हैं। नॉनस्टॉक के जो थैलस है, ट्राइकोम है, इसमें अकाइनिड्स रो में पाए जाते हैं। ये देखिए अकाइनिड्स की पूरी एक रो है, और ये चेन में पाए जाते हैं। अगर हम एक हिटरोसिस्ट कोशिका की डिटेल्ड संरचना, डिटेल्ड व्यू देखें, तो हिटरोसिस्ट कोशिका कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। हिटरोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड सेल है, यह एक खास सेल है जिसका निर्माण नॉर्मल वेजिटेटिव सेल से ही होता है। नॉर्मल वेजिटेटिव सेल अपना आकार बढ़ा लेती है और हाईली थिक हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो पिगमेंट्स हैं, इसमें भी परिवर्तन पाया जाता है। हिटरोसिस्ट कोशिका में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि क्लोरोफिल ए कंप्लीटली एब्सेंट होता है। इसके अलावा फाइकोबिलिन पिगमेंट्स भी हिटरोसिस्ट में नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स की अधिक मात्रा के कारण ये हिटरोसिस्ट कोशिकाएं पेल येलो कलर की यानी कि पीले रंग की दिखाई देती हैं। इनका साइटोप्लाज्म हाईली डेंस होता है। इन हिटरोसिस्ट कोशिकाओं की जो सेल वॉल है वह थ्री लेयर थिक होती है। फर्स्ट लेयर इज द आउटर म्यूसिलेजिनस लेयर, श्लेष्म झिल्ली।
सेसा झिल्ली के अंदर की तरफ होमोजीनस लेयर उपस्थित है और होमोजीनस लेयर के नीचे की तरफ सबसे अंदर लैमिनेटेड लेयर उपस्थित होती है, यानी कि हिटरोसिस्ट कोशिकाओं में सेल वॉल 3 लेयर पाई जाती है। इसमें पोलर नोड्यूल्स उपस्थित होते हैं। पोलर नोड्यूल्स क्या होते हैं? जैसे कि ये कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के एंड्स पर पोर उपस्थित होते हैं। ये पोर्स साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं, यानी कि दो सेल्स के बीच में पोर उपस्थित होता है जिसे साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। लेकिन हिटरोसिस्ट कोशिकाओं में ये जो पोर होते हैं यह ब्लॉक हो जाते हैं और पोलर नोड्यूल्स का निर्माण होता है। ब्लॉकेज ऑफ पोर के कारण और पोलर नोड्यूल्स के कारण एवं हाईली थिक सेल वॉल के कारण इस कोशिका के अंदर एनएरोबिक एनवायरनमेंट का निर्माण होता है। यह एनएरोबिक एनवायरनमेंट नाइट्रोजिनेज एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो हिटरोसिस्ट कोशिका में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके नाइट्रोजिनेज एंजाइम पादपों को नाइट्रेट उपलब्ध करवाता है एवं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इस हिटरोसिस्ट कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है वह हाईली डेंस होता है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में थायलाकॉइड्स पाए जाते हैं। थायलाकॉइड्स यानी कि पटलिकाएं पाई जाती हैं। इन थायलाकॉइड्स के ऊपर ही पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं। हिटरोसिस्ट का मुख्य कार्य यह देखा गया है कि हिटरोसिस्ट जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा यह सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो ऐसे थैलस, ऐसे जो एल्गी हैं साइनोफाइसी क्लास के सदस्य जिनमें कि हिटरोसिस्ट उपस्थित हैं, ये एल्गी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। रिप्रोडक्शन, नॉनस्टॉप में रिप्रोडक्शन दो माध्यमों से पाया जाता है, वेजिटेटिव कायिक जनन एवं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन। नॉनस्टॉप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव जनन, कायिक जनन दो माध्यमों से पाया जाता है। फर्स्ट वन इज कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन। कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत जब नॉनस्टॉप की कॉलोनी किन्हीं कारणों से दो या अधिक भागों में बट जाती है तो प्रत्येक भाग नई कॉलोनी का निर्माण करने में सक्षम होता है और यह नई कॉलोनी का निर्माण करता है। सेकेंड वन इज हार्मोगोनिया। नॉनस्टॉप के तंतु में ट्राइकोम में कुछ कोशिकाएं डेड हो जाती हैं और इन डेड कोशिकाओं में म्यूसिलेजिनस पदार्थ भर जाता है। इन डेड सेल्स को हम नेक्रीडिया कहते हैं। ट्राइकोम की दो नेक्रीडिया के बीच में उपस्थित जीवित कोशिकाओं को हार्मोगोनिया कहा जाता है। ये नेक्रीडिया एक सेपरेशन डिस्क की भांति व्यवहार करती हैं और ट्राइकोम को कुछ भागों में बांट देती हैं। ये जीवित कोशिकाएं हैं, यह अलग हो जाती हैं, जिन्हें हम हार्मोगोनिया कहते हैं और यह रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन द्वारा नए तंतु का निर्माण करती हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन दो माध्यमों से पाया जाता है। फर्स्ट वन इज अकाइनिड्स। अकाइनिड्स आर द रेस्टिंग स्पोर्स, इन्हें हम निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं। अकाइनिड्स आर लार्ज साइज स्पोर, यह लार्ज साइज नॉन मोटाइल स्पोर है। फ्लैजिला नहीं पाया जाता, इनका आकार बड़ा होता है। ये लार्ज साइज के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं और हाईली थिक वॉल इनमें पाई जाती है। हाईली थिक मोटी कोशिका भित्ति युक्त होते हैं एवं इनमें संचित भोजन पाया जाता है, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। हाईली थिक सेल वॉल और रिजर्व फूड मटेरियल की उपस्थिति के कारण
ये अकाइनिड्स कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो जाती है ये अकाइनिड्स जर्मिनेट होकर नए फिलामेंट का निर्माण करते हैं। नॉनस्टॉप में अकाइनिड्स चेन में पाए जाते हैं। अकाइनिड्स के ऊपर जो है डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम इसे इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, यह अचल बीजाणु होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं एवं मोटी कोशिका भित्ति युक्त एवं संचित भोजन इनमें उपस्थित होता है। उदाहरण नॉनस्टॉप, दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स विच हैव लार्ज साइज हाईली थिक सेल वॉल एंड रिजर्व फूड मटेरियल इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल नॉनस्टॉप। अकाइनिड्स के अलावा नॉनस्टॉप में हिटरोसिस्ट भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल हैं। ये हिटरोसिस्ट जो है एक रस्टिंग स्पोर की भांति जो है व्यवहार करते हैं और इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है यह प्रोटोप्लास्ट दो भागों में बढ़ जाता है और दो से फिर यह चार भागों में डिवाइड हो जाता है और ये चार जो सेल्स हैं एक जर्म लिंग की भांति व्यवहार करती हैं और सेल वॉल को तोड़ के यह जर्म लिंग यह छोटा सा जो फिलामेंट है यह बाहर आ जाता है और रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन द्वारा यह डिवाइड होकर नए फिलामेंट का निर्माण करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हिटरोसिस्ट भी जनन में सहायक होता है। नॉनस्टॉप के ऊपर जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसका थैलोस्ट्रक्चर पूछा जाता है, इसमें रिप्रोडक्शन पूछा जाता है, मोनिलिफॉर्म अपीयरेंस पूछी जाती है एवं इसमें जो हिटरोसिस्ट सेल्स है इसके ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह हमने देखा कि नॉनस्टॉप में जो है थैलोस्ट्रक्चर एवं रिप्रोडक्शन। थैंक यू।